अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई बेगम ने लाइट चला दी है और सुबह के बज रहे हैं भाई 7 का टाइम है, आँख नहीं खुल रही। और अच्छा उठने की कोशिश करते हैं भाई। आज का जो व्लॉग है काफ़ी अच्छा होने वाला है और आज मैंने कंटेंट सोच के रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड मेरे साथ रहिएगा, अभी ज़रा उठते हैं और तैयार होते हैं। जी तो नाज़रीन, नहा के मैं हो गया हूँ फारिग, फ्रेश हो गया हूँ और अभी मुझे कुछ घर के काम करने हैं, वो करूँगा और इंशाल्लाह व्लॉग स्टार्ट करेंगे हम नाइट में, मतलब मेरा कहने का ये है कि शाम में। तो नाज़रीन आपने देखे परिंदे, हम अपनी बाजी के घर आए थे और यहाँ पर हमने आपको इनके पैरट्स दिखाए। अभी हम जा रहे हैं कंटेंट की तरफ। सफर की दुआ पढ़े आयशा। सुभान अल्लाह सो खरला ना आज अब मा को ना ला हम प्रिनिन इना इला रब्बी ना ला मुन कोली बून। बाहर का मौसम होता है, माशाल्लाह फ्लावर्स देखें खिले होते हैं, क्या बात है। आ हा हा हा, योर स्माइल इज आवर रिवार्ड। भाई बात बड़ी है और समय से ताल्लुक रखती है। माशाल्लाह ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद है, आपको पहले भी दिखाई है मैंने। ये कच्चा गोजरा है, गोजरे को असल में यहाँ पे गोजरा मंडी कहा जाता था पहले, ये मंडी होती थी यहाँ पर, मुख्तलिफ अशिया की मंडी लगा करती थी, तो इसलिए इसको गोजरा मंडी कहा जाता था पहले, आज से 100 साल पहले, यानी कि पार्टीशन से पहले की बात है। तो ये पुरानी मस्जिद थी, अब उसकी जगह एक नई मस्जिद बन गई है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। आपको पहले भी दिखा चुका हूँ अपने एक व्लॉग में, तो मैंने कहा जाते जाते आज आपको फिर दिखा दूँ। भाई ऐसा है कि बहुत सारे काम थे आज सुबह, उठा हूँ मैं आपको पता है कि उसके बाद फिर जो है वो घर के काम किए, उसके बाद फिर ये है कि अब फ्री हुआ था मैं और अब शाम का टाइम आ गया है और आयशा मेरे साथ है जैसे पहले होती है और अब हम जा रहे हैं। अब आपने बताना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है आपने गैस करके आज बताना है कि हम किधर जा रहे हैं। और जहाँ भी खिले हो इनको कैप्चर करना चाहिए क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इनसे खुशी आती है, ये मेरा मैसेज है सबके लिए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जानवर लोड हुआ हुआ है, आह हा 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 हा, रुमाल का जानवर लोड हुआ है। अब आप गैस करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, भाई चेक करें बकरा किस तरह से लोड किया हुआ है। और माशाल्लाह रेट का की जा रहा है, रेट 45,000 और 45,000 आप देख रहे हैं भाई, और 50,000 मांग रहे हैं इसका। इससे पहले जो ब्लॉग में मैंने आपको बकरे दिखाए थे वाइट कलर के, वो 1.5 लाख में 3 दे रहा था और वो इससे काफ़ी हैवी बकरे थे, और आज ये 40-45,000 का और 50,000 का बकरा दिखा रहा था जो कि इंतहाई छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत रेट था, बहुत रेट था भाई, मंडी जाना पड़ेगा। भाई जंग रोड पर हम आगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये जंग रोड है, आपको पहले भी दिखाई हुई है गोजरा की जंग रोड। भाई हर तरफ देखें आपको ये बकरे ही नज़र आएंगे और तो कुछ नज़र आए या ना आए। ये भाई साहब मंडी की तरफ जा रहे हैं बछड़े को लेके फरोख्त करने के लिए। भाई बकरों के गजरे लटक रहे हैं आप सामने देख सकते हैं, क्योंकि ईद है तो गजरों की ऐड तो ईद तो चलती नहीं है, ख़ासतौर पर ऊँट पर तो बहुत अच्छे लगते हैं और बड़े जानवर पर। और साथ ही देखे शनवारी डेरा, अल शमस शनवारी डेरा, और यहाँ पर बकरे की पूरी रान जो है रोस्ट होती है, तो किस दिन ये भी टेस्ट चेक करवाएंगे आपको इंशाल्लाह इस व्लॉग अपने यूट्यूब चैनल पे। भाई व्यापारी जो है वो सड़क के दूसरे पार ही बैठे हुए हैं और देखें माशाल्लाह बकरे कमाल के हैं और ज़बरदस्त बकरे लग रहे हैं माशाल्लाह, वाइट कलर के हैं और अच्छा रेट का नहीं पता क्योंकि मैंने पूछा नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बकरे अच्छे लग रहे हैं। भाई असल मंडी तो यहाँ से स्टार्ट होती है, आप देखें यहाँ पर लाइनें शुरू हो गई हैं, बकरे और छतरे छोटे छोटे लगे हुए हैं आपके सामने, देखें लाइनों पर लाइनें लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं सामने मनाजर, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। इस साइड पे भी ये देखें छोटे बकरे हैं, बिल्कुल टैडी बकरे जिनको कहा जाता है, ये देखें आप। अच्छा ये भेड़े माशाल्लाह अजीब सी लग रही हैं, इनके ऊपर से कलर भी किया हुआ है तो थोड़ा अजीब सी लग रही हैं भेड़े, क्यों भी अच्छा ऐसा ही है ना। भाई इनको कहते हैं चक्की वाले दुम्बे, जिनको नहीं पता वो देखें, इनको कहते हैं चक्की वाले, ये देखें जी माशाल्लाह बकरा चेक करें, आह हा हा कमाल का बकरा है माशाल्लाह, और देखें साइज़ चेक करें, आह रेट भी माशाल्लाह उस हिसाब से होगा, और
माशाल्लाह रश भी काफ़ी है आज, क्योंकि दो दिन रह गए ईद में और माशाल्लाह रश भी काफ़ी है और मंडी के बाहर ये रश है सारा। माशाल्लाह एक और बड़ा खूबसूरत बकरा है ये, वाइट कलर का माशाल्लाह, जो बाबा जी ने पकड़ा हुआ है। वाह जी वाह, यहाँ पे सौदे हो रहे हैं जी डिफरेंट बकरों के, और अब चेक करें मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं यहाँ पे, 40,000 45,000 से स्टार्ट हो के 1,20,000 तक, और उससे भी ऊपर के रेट जा रहे हैं बकरों के यहाँ पे। भाई जिस किसने भी लिया है, बड़ा खूबसूरत जानवर है ये वाला माशाल्लाह। ले जी बड़े मवेशी लोड होके आ रहे हैं मंडी के अंदर, या ये शायद किसी ने परचेज कर ली। एक जानवर सामने लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक कलर में, बड़ा जानवर है भाई। यहाँ से मंडी स्टार्ट होती है, आप चेक करें भाई, व्यू चेक करें ठीक है। यहाँ से हम ये बड़े जानवरों की मंडी है उधर लेके जा रहे हैं, आपको चेक करवाते हैं। देखें एक इधर साइड पे जानवर लगा हुआ है ठीक है, उस साइड पे भी आपको लेके चलते हैं और आपको मंडी चेक करवाते हैं कि कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पे। माशाल्लाह चेक करें, ये सौदा चल रहा है इस साइड पे, पता नहीं क्या रेट होगा यहाँ पे, लेकिन हम आपको जानवर चेक करवा रहे हैं। इधर हो भाई, जानवर लोड हो गया है माशाल्लाह से, और अल्लाह मुबारक करे इनकी कुर्बानी। इधर देखें ज़्यादातर ब्लैक बछड़े ही हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये देखें बुल माशाल्लाह, आहा हा हा, आशा लगा के आओ इसे, अच्छा नहीं लगाना भाई, आशा डर रही है, आशा कहते बुल को हाथ नहीं लगाना। ये देखें माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये चेक करें भी जानवर, वाह जी वाह माशाल्लाह, क्या साइज है और क्या ज़बरदस्त जानवर है माशाल्लाह माशाल्लाह। कलर चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, ये देखें भाई फुल हैवी जानवर, वाह वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त जानवर है, फुल हैवी है माशाल्लाह। चेक करें भाई हैवी जानवर फुल, ये देखें फुल हैवी जानवर है, फुल हैवी भाई। उधर 4,00,000 रेट बताया उन्होंने, और सामने माशाल्लाह देखें ये वाइट कलर का जानवर चेक करें आप, फुल हैवी जानवर है, और ये गुस्से में लग रहा है भाई, गुस्से में ठीक है, गुस्से में लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग तो रहा है गुस्से में, इधर ही आ जाओ भाई ये चेक करें भाई, आह क्या बात है क्या बात है भाई। ये देखें खूबसूरत तरीन जानवर माशाल्लाह, कलर चेक करें आप, कितना प्यारा कलर है माशाल्लाह से, वाह जी वाह ज़बरदस्त। ये कलर चेक करें आप नाज़रीन, क्या बात है क्या कलर है भाई, नहीं नहीं काटता नहीं है बेटा, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आयशा हाथ लगाओगी उसे, आयशा कह रही मैंने हाथ नहीं लगाया, आयशा डर रही है, ओ आयशा को देखने लगा है, आयशा पे चढ़ गया, गुस्से में चढ़ गया आयशा को तो बछड़ा पसंद आया छोटा सा, हाँ माशाल्लाह 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 भाई, चेक करें भाई क्या बात है, व्यू एक दफ़ा चेक कर लें मंडी पूरी का। हाँ जी तुसी सारे जानवर सेल करते ने जी, भाई ये बड़े मवेशियों की मंडी है इस साइड पे, लेकिन मवेशी जो है वो इस टाइम कोई इतने ख़ास नज़र नहीं आ रहे गोजरा की मंडी में। और एक देखा है जो 4,00,000 मांगने हैं और वो उसके 4 दांत हैं, जो आपको भी हमने वीडियो में दिखाया शुरू में। ये भी जानवर एक आ रहा है माशाल्लाह, प्यारा जानवर है माशाल्लाह, ऐसा है कि हमने आपको विज़िट करवाया आज मंडी का, और आपको दिखाए बैल वगैरह भी दिखाए बकरे भी दिखाए, और आज सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए, जस्ट ओनली 2 डेज़, और जुमेरात को इंशाल्लाह ईद है, तो मेरी तरफ़ से आपको एडवांस ईद मुबारक हो। और अब हम घर चलते हैं, आयशा भी कह रही है ईद मुबारक, मंडी में खड़ी हो गए, तो इस दफ़ा कोई इतना ज़्यादा रश नहीं है, और कोई सूरत आ रही है कि जो बड़े जानवर का रेट मैंने पता किया है तकरीबन 80,000 से लेके 5-6 लाख रुपए तक जो है वो रेट जाता है, और आगे कमी पेशी हो सकती है। तो बाकी आपको मेन मकसद था जो अच्छे से खूबसूरत जानवर थे वो मैंने आपको दिखा दिए मंडी में, यही जानवर थे जो अच्छे खूबसूरत थे गोजरा की मंडी में। बाकी आपकी मंडी में कैसे हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा,
मुझे इंतजार रहेगा। अब हम घर चलते हैं, क्योंकि आशा घर चले कटिंग कराने जाना है। आशा कह रही है कटिंग कराने जाना है। बाजी की तरफ गए थे जहाँ आपने पैरट देखा था पहले, तो अभी हम उसी घर पैरट वाले घर में जा रहे हैं। और आयशा की वहाँ पे हमने क्योंकि ईद आ रही है तो आयशा के बाल सेट करवाने हैं, तो अब हम वापस जा रहे हैं मंडी से। तो मंडी को कहते हैं बाय बाय, मंडी को कहते हैं बाय बाय। मंडी से बाहर आ गए हैं, लेकिन एक और खूबसूरत जानवर माशाल्लाह लगा हुआ है, और साथ ही माशाल्लाह देखें ये भी लगे हुए हैं मुख्तलिफ जानवरों के लिए, और आयशा को पसंद आ रहे हैं। बेटा ये जानवरों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, वैसे ही देख रही हैं। अच्छा चले आ जाए, फिर आ जाए वापस आ जाए। अच्छा मंडी से बाहर आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। भाई मंडी से बाहर आ चुके हैं हम, देखें ये मंडी है पीछे, ठीक है, लोगों की बाइक्स यहाँ खड़ी हैं बाहर, और ये भाई साहब छतरा लेके बाहर खड़े हैं। मंडी से बाहर आ गए हैं, और ये रोड है जंग रोड गोजरा की तरफ जा रही है, और हम वापस जा रहे हैं। और ये लोडर होते हैं जिनमें जानवर बड़े जो है लोड करके घरों तक लेकर जाया जाता है। अच्छा मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि बकरे ज़्यादा जो हैं वो बाहर हैं, और मंडी के अंदर जाने वो बड़े जानवर हैं, बकरे ज़्यादा बाहर ही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, ये जिनको पसंद हैं चक्की वाले दुम्बे, वो ये चक्की वाले दुम्बे देखें भाई। भाई जाते जाते आपको लास्ट सीन करवा दें, माशाल्लाह बड़े प्यारे खूबसूरत बकरे हैं बाहर अभी। और ये तकरीबन यहाँ से मंडी एंड हो जाती है, पीछे हम मंडी छोड़ आए हैं, यहाँ पीछे सारी मंडी हम छोड़ आए हैं तकरीबन, पीछे आप देख सकते हैं पीछे मंडी हम छोड़ आए हैं, और बस अब हम जो है वो वापस जो है घर की तरफ जा रहे हैं। मंडी से हम बाहर आ गए हैं, लेकिन मंडी का रेट बहुत ज़्यादा है, यकीन करें जो 80,000 का जानवर है ना, बड़ा जानवर, वो 1,35,000 रुपये में दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रेट है भैया, बहुत ज़्यादा रेट है। मैं और आयशा हम घर की तरफ रवाना हैं। नाज़रीन मैं अभी घर आया ही हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको आज का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। और ईद को सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो आपको एडवांस ईद मुबारक हो। तो मौके की मुनासबत से मैंने जाना कि भाई आज का जो कंटेंट है वो ईद के हवाले से होना चाहिए, तो आपको मुख्तलिफ जानवर भी दिखाए, वहाँ पर विज़िट भी करवाया, बकरा मंडी भी दिखाई, और बड़े मवेशी भी दिखाए। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अस्सलामुअलैकुम।